नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं, हमारी पुस्तक वसंत की कविता है ध्वनि। ध्वनि कविता को पढ़ेंगे, जिसके जो लेखकृतिकार हैं, कवि हैं, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बने रहें अपने गुरु जी जयपाल शास्त्री के साथ और पढ़ते रहिए अपना विषय। तो देखिए, पढ़ते हैं ध्वनि कविता। तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 की कविता ध्वनि से अवतरित किया गया है। इसके कृतिकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इस कविता में निराले जी ने प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार भरने का प्रयत्न किया है और यहाँ कवि ने आशावादिता और लोक कल्याण को भी प्रकट किया है। तो ये हमने प्रसंग देखा, अब देखेंगे इसकी व्याख्या कि अभी न होगा मेरा अंत। निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत समय नजदीक नहीं आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत कहता है, दुनिया वालों को चुनौती देते हुए कवि कहता है कि उसका अंत है वो अभी नहीं आया है, क्योंकि उसके हृदय में नवीन उत्साह का संचार नहीं हुआ है, क्योंकि उसके हृदय में नवीन उत्साह का संचार अभी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी न होगा मेरा अंत, तो इसलिए कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, क्योंकि उसके जीवन में नरम और नाजुक वसंत रूपी जो खुशियां हैं ना, उनका आगमन नहीं हुआ है, इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। तो यहां कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी तो कोमल वसंत आया है, मेरे जीवन रूपी वसंत में अभी तो कोमल वसंत आया है। मैं ही अपना सौपन मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जागा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष होता है प्रभातकालीन, कलियां कलियां मनोहर, मन को हरने वाला, प्रसन्नचित करने वाला। तो कवि कहता है कि मुझे यौवन के लिए, अभी मेरे जीवन के लिए उचित उत्साह का संचार हुआ है और ये हरे भरे पत्ते नवीन भाव और कोमलता लिए हुए हैं और डालियों रूपी जो प्रेरणाएं हैं ना, डालियों रूपी जो प्रेरणाएं हैं और कोमल शरीर वाली कलियां रूपी जो आशाएं हैं, वो अभी अभी तो प्रस्फुटित हुई हैं। तो कहता कि जागा एक प्रत्युष मनोहर, इसलिए कवि कहता है कि मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन कलियों को नवजीवन प्रदान करूंगा, यानी फेरूंगा ना, कह रहा ना कवि, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जागा एक प्रत्युष मनोहर। तो कहता है कि मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेर करके इन कलियों को नवजीवन प्रदान करूंगा, उनमें मनोहर प्रभात जगाऊंगा, अर्थात उन्हें नवीन ताजगी दूंगा। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। पुष्प पुष्प से तंद्राल लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच लूंगा मैं। तो देखिए, यहाँ कवि कहता है, निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फल फूल रूपी किशोर की उन्नीदीपन उत्पन्न, यानी उन्नीदीपन होता है आलस्य, यानी जो आलस्य तंद्रा जो आई हुई है नींद से, जो आलस्य जो है वह उस मैं उसको दूर कर दूंगा और
अपने जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, यानी मैं अपने जीवन में नवीन उत्साह भर दूंगा जो अमृत लोक मंगल के लिए प्रसन्नतापूर्वक अर्पित होगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे लिए वे जहां अनंत। तो कभी कहता है कि मैं संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दूंगा। मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी मैं संसार के सभी व्यक्तियों को या पदार्थों को उस आराध्य के चरणों में रख दूंगा, उन्हें अपने आराध्य को चढ़ा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, फिर मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहां कवि कहता है कि अभी तो मुझ में नव उत्साह और उमंग का उदय हुआ है, मैं किसी प्रकार से इतनी जल्दी अपनी हार है वो मानने वाला नहीं हूं। यानी कवि अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहा है। उनके कहने का भाव यह है कि मध्यम युवा वर्ग में निराशा के भावों को दूर करना चाहिए, यानी युवा वर्ग को निराशा से दूर रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए उस कहता है कि उसका अंत होने वाला नहीं है और वह दुनिया को एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया जोश, नई उमंग, नई रोशनी प्रदान करना चाहता है। इसीलिए कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हमने इस कविता को पढ़ा। अभी देखते हैं इसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो कवि मानते हैं कि उनका अंत है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट करके भरी हुई है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास, उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर ये सभी चीज़ें अभी प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अगला है, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के फर्श से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि नई कलियां, नई सुबह देख सकें। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिस फूल में अनंत तक विकास होता है, यानी अंत तक विकसित होते रहते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर करने के लिए क्या चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है ताकि वो अंत तक विकसित होते रहें। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि पर आप किन किन बातों की ओर संकेत करते हैं? तो ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, दोपहर में घरों से कम निकलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसे ठीक उलट ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु का गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्ति सार्थक सिद्ध होती हैं। तो यहाँ वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है, आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़ करके सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लग जाते हैं और खेत सरसों से के फूलों से पीले दिखाई देने लगते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती हुई दिखाई देती है, मानो मनुष्य प्रसन्नचित होकर के नृत्य कर रहा हो। तो विद्यार्थियों, देखिए हमने
इसके सारे प्रश्न भी देख लिए हैं, तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और बने रहिए आप अपने गुरु जी के साथ, जयपाल शास्त्री के साथ, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी की हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस आपको दिन प्रतिदिन देते रहेंगे, और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।